हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट कम्युनिटी में उसके क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम किसी भी मेजरिंग टूल से मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और जब हम कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता करते हैं, तो हमें, क्योंकि कम्युनिटी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो हमें कुछ सैंपल लेने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ रैंडम सैंपलिंग की आवश्यकता पड़ती है। और उन रैंडम सैंपलिंग यूनिट्स के द्वारा, उन रैंडम सैंपल्स के द्वारा वी कैन एनालाइज दी कैरेक्टर्स ऑफ दी होल कम्युनिटी। एंड दिस स्टडी ऑफ कम्युनिटी इन विच वी analyze the community and we classify the community in the field by taking some measurements or some other analysis part. This study is phytosociological study, or these methods are known as phytosociological methods. So first we will take, there are three types of phytosociological methods or the sampling units by which we can study phytosociology of the community. First one is quadrant method, second is transect method, and third one is point method. जब हम कोई grassland या herbaceous community की study करते हैं, तो वहाँ हम area और line type के sampling units लेते हैं, जिसमें हम quadrant या transect को as a sampling unit use करते हैं। जब हम किसी डेंस फॉरेस्ट की स्टडी करना चाहते हैं कम्युनिटी की, तो वहाँ हमारे ये जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं ये काम नहीं करते, और हमें पॉइंट मेथड यूटिलाइज़ करना पड़ता है घने जंगल के स्टडी के लिए। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेट मेथड के बारे में देखें कि जब हम जैसे किसी भी फील्ड को हम स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी कम्युनिटी को स्टडी करना चाहते हैं, तो हम एरिया बड़ा होने के कारण हर इंडिविजुअल प्लांट के बारे में जानकारी लेना संभव नहीं होता। तो उस केस में हम कुछ सैंपल्स उस कम्युनिटी में लेते हैं, और उन सैंपल्स के बेसिस पे पूरी कम्युनिटी की एनालिसिस हम करते हैं। तो इसके लिए हम जो बहुत प्रचलित रूप से सैंपलिंग यूनिट काम में ली जाती है, वो कहलाती है क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड में हम क्वाड्रेट्स का यूज़ करते हैं। क्वाड्रेट एक ऐसा सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर एक वायर्ड मटेरियल है, जिसे हम सैम्पलिंग यूनिट के तौर पे फील्ड में ले जाते हैं, और इससे हम सैंपल्स लेते हैं इसकी सहायता से, और फिर उनकी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व करते हैं। तो क्वाड्रेट इसमें भी, तीनों तरीके के क्वाड्रेट में भी, जो स्क्वायर क्वाड्रेट है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और वो काम में लिया जाता है। दूसरा जो मेथड है सैंपलिंग का, दैट इज़ ट्रांजेक्ट मेथड। ट्रांजेक्ट मेथड में हम एक लाइन या बेल्ट को, जो सूटेबल लंबाई की है, उसको काम में लेते हैं, और जो ट्रांजेक्ट हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो बेल्ट ट्रांजेक्ट कहलाते हैं, और दूसरे लाइन ट्रांजेक्ट कहलाते हैं। कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एरिया विच इज़ यूज्ड एज अ सैम्पल फॉर रिकॉर्डिंग, मैपिंग और स्टडिंग वेजिटेशन इज़ कॉल्ड अ ट्रांजेक्ट। वी कैन हैव द बेल ट्रांजेक्ट एंड लाइन ट्रांजेक्ट। बेल ट्रांजेक्ट वी कैन हैव द पिक्चर ऑल्सो। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्ट। दिस फर्स्ट वन इज नोन एज बेल ट्रांजेक्ट। बेल ट्रांजेक्ट इज लाइक दिस
टू स्ट्रिप्स आर टेकन, तो जो एक जैसे लोहे की चेन होती हैं, तो दो चेन्स साथ साथ में लेते हैं और उनको ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पूरा एक बेल्ट है दो चेन का, जिसका बीच का एरिया सेगमेंट्स कहलाता है, ये एक हमारी सैम्पलिंग यूनिट हो जाती है बेल्ट ट्रांजिट में। और जैसे इसके बीच में, इस बेल्ट के बीच में जो जो भी प्लांट्स आते हैं वो हम ले लेते हैं। ये पूरी जो एक बेल्ट है वो एक एक सैम्पलिंग यूनिट, वन सैम्पलिंग यूनिट कहलाती है। और दूसरी तरफ जो इसमें लाइन ट्रांजेक्ट हमें नज़र आ रहा है, लाइन ट्रांजेक्ट में सिंपल एक लोहे की चेन हो सकती है, एक निश्चित लंबाई की स्टील चेन, और उसको हम दो जगहों पे बीच में बांध देते हैं। और ये जो भी एक स्टील टेप है या स्टील की चेन है वो हमारा एक लाइन ट्रांजेक्ट कहलाता है। और जो सैम्पलर है, जैसे जो सैम्पल ले रहा है व्यक्ति, वो इसके साथ साथ में चलता है। और जो प्लांट स्पीशीज़ इसके मतलब इसके पास में होती है अलोंग द लाइन ट्रांजेक्ट, उसको वो नोट कर लेता है। बेल ट्रांजेक्ट में जो दो चेन्स हैं उनके बीच में जो सेगमेंट्स हैं उनमें अगर कोई प्लांट आता है तो उसको लिया जाता है, और लाइन ट्रांजेक्ट में उस लाइन एक सिंगल चेन के आसपास के जो प्लांट्स हैं उनको लिया जाता है। जैसे श्रब्स हैं या हर्ब्स हैं, तो उस लाइन को जो टच करती हैं उनको हम प्लांट के रूप में, सैंपल के रूप में ले लेते हैं। और इस तरीके के कई सारे सैंपल्स हम फील्ड में डालते हैं। तो ये होता है बेल्ट ट्रांजेक्ट और लाइन ट्रांजेक्ट। तीसरा जो मेथड काम में लिया जाता है डेंस फॉरेस्ट में, वो होता है पॉइंट मेथड, क्योंकि वहाँ क्वाड्रेट डालना संभव नहीं होता और ट्रांजेक्ट का यूज़ करना भी संभव नहीं होता, इसलिए वहाँ पे पॉइंट मेथड काम में लिया जाता है। और ये जो पॉइंट मेथड है उसमें एक जो पॉइंट, मतलब एक नेल या जैसे जो कील होती है, उस तरीके का एक सैम्पलिंग यूनिट काम में लिया जाता है, और उसको रैंडम प्लेसेस पे जगह जगह फिक्स कर दिया जाता है ग्राउंड में, और फिर उससे सैंपल्स लिए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट मेथड है ये भी दो तरीके का होता है। एक तो इस तरीके का एक फ्रेम टाइप का मेथड होता है जिसे पॉइंट फ्रेम मेथड कहते हैं, जो एक वुडन फ्रेम होता है और इसके ऊपर 10 ये होल्स या छेद बने हुए होते हैं। उसमें से ये जो लोहे की बड़ी बड़ी पिन्स हैं, कीले हैं, ये इन छेदों में से डाली जाती हैं। और ये इस पूरे फ्रेम को, वुडन फ्रेम को उठा के फील्ड में एक जगह रख दिया जाता है, और जो भी प्लांट्स इन पॉइंट्स जो हैं, इनके कीलों के जो ये पॉइंटेड एंड्स हैं उनको टच करते हैं, उन प्लांट्स को हम नोट कर लेते हैं। तो 10 जगहों पे ये 10 कीलें जहाँ जहाँ लगेंगी ग्राउंड में, वो स्पीशीज़ जो सेंट्रल पॉइंट होता है इनका, वो स्पीशीज़ रिकॉर्ड कर ली जाती है। ये करीब इट इज़ प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर एट सेवरल ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इन द स्टडी एरिया, एंड द प्लांट स्पीशीज दैट आर हिट बाय दी पॉइंट्स, ये जो पॉइंटेड एंड्स हैं 10, इनसे जो भी प्लांट स्पीशीज हिट करेगी उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और इससे कम्युनिटी का एक क्वांटिटेटिव जो स्ट्रक्चर है वो हम समझा सकते हैं। इसको हम ग्रासलैंड या लो हर्बेशियस कम्युनिटी के जो पौधे होते हैं वहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं। ये कहलाता है पॉइंट फ्रेम मेथड। एक और मेथड पॉइंट मेथड का ही एक और दूसरा तरीका भी हो सकता है, और ये तरीका कहलाता है पॉइंट सेंटर मेथड। पॉइंट सेंटर मेथड में, जैसा कि यहाँ हमें डायग्राम से पता चल रहा है, ये एक बड़ा सा पॉइंट, एक बड़ी सी नेल ली जाती है जिसके सिरे पे या तो कंपास हो सकता है एक, या सिंपल नीडल भी हो सकती है, और ये नीडल्स फील्ड में रैंडमली किसी भी जगह पे
गाड़ दी जाती है, रख दी जाती है पॉइंट सेंटर, और ये जो बीच का सेंटर है इसकी एक ग्रिड बना देते हैं चार लाइन खींच के, और यहाँ जो जो भी प्लांट्स इसकी विसिनिटी में आ रहे हैं, ये जो बड़े ब्लैक पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर वेजिटेशन और दीज आर द प्लांट्स, एंड इन प्लांट्स की उस सेंटर से जो दूरी है उसको नोट कर लिया जाता है, और या इसकी जो शेडो है प्लांट की इस पॉइंट वाले एरिया में, उस शेडो को भी एक प्लांट स्पीशीज़ अपने सैंपल में मान लिया जाता है। तो इस तरीके से पॉइंट सेंटर मेथड, पॉइंट फ्रेम मेथड, दोनों पॉइंट पॉइंट मेथड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये एक जनरल आइडिया है कि कितने तरीके के सैम्पलिंग यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन इन सब में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारा सैम्पलिंग यूनिट है वो क्वाड्रेट ही कहलाता है, और क्वाड्रेट में भी हम स्क्वायर क्वाड्रेट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। अब जब कम्युनिटी की एनालिसिस करनी होती है तो जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, डेंसिटी है, अबंडेंस, कवर, बेसल एरिया, इन ये सारे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। इन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए क्वाड्रेट की आवश्यकता होती है।